हे गाइस, अभी टाइम है 9:31 एंड मैं यहाँ पर थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी के साथ पोजीशंस बना चुका हूँ। सो लेट्स सी, स्कल्पर बटन को करते हैं ऑन। और रीजन सिंपल है यहाँ पे एंट्री लेने का, मैं आपको बताता हूँ कि रीजन क्या है इसके पीछे। हेलो फ्रेंड्स, स्कल्पिंग सीरीज की डे नंबर 57 में आपका स्वागत। तो चलिए, अभी टाइम है 9:18 एंड मार्केट आज गैप अप ओपन ओपन होने के बाद रेजिस्टेंस फेस की, और अभी जस्ट यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस था टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो बढ़िया फॉल देखने को मिला है और ओवरऑल प्राइजेक्शन बुलिस है, मेजर ट्रेडिंग जोन को टेस्ट कर रहा है। सो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू मेक वन पोजिशन हियर एंड ओ अभी करंट प्राइजेक्शन के ऑपोजिट होंगे कॉल साइड। मैं आपको रीजन बताऊंगा, अभी जस्ट मैं इनिशिएट करता हूँ एंड देन हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो, एंड क्वांटिटी 105 वुड बी ओके। स्टॉप लॉस प्लेस कर देते हैं, स्टॉप लॉस लाइक हियर 304 के आसपास, 105। नाउ लेट्स वेट, इसको मैं ट्रेल करके लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पे रीजन क्या था पोजीशंस बनाने के पीछे। देखिए, ओवरऑल जो प्राइस एक्शन है, अगर हम यहां पे देखें, न्यूट्रल टू बुलिश है, राइट। हर बार मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आज के दिन क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ एंड देन फॉल हुआ, इसको रिट्रेस हम समझ सकते हैं। और प्रीवियस डे मेजर ट्रेडिंग जोन के अबव था और इसी लेवल के आसपास, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आके इसने टेस्ट किया। सो दैट्स वाई आई टुक पोजिशन हियर, राइट। और मूविंग एवरेज के भी अबव है, सेंट्रल पिवट से भी अबव है, सो दैट्स वाई आई टुक पोजिशन। बट ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बुलिश हूँ, करंट प्रोजेक्शन बियरिश है, दैट्स वाई हमको थोड़ा क्विक होना चाहिए। ओके, देखिए यहाँ पे मैं क्वांटिटी कम किया। अगर ये यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद, मान लीजिए कि यहाँ पे ओपन हुआ, इस पॉइंट पे ओपन हो, ओपन होने के बाद थोड़ा सा अप मूव, देन रिट्रेस, फिर एक अपसाइड हायर हाई बना के चल रहा है, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा लेता। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, करंट जो प्राइजेक्शन है वो बियरिश है, दैट्स वाई हमको क्वांटिटी यहाँ पे लेस करना ही चाहिए। देखो, हिट कर दिया, बढ़िया प्रॉफिट मिल रहे थे 1200-1500 के आसपास, बट हमारे स्टॉप लॉस इंटैक्ट थे जिसके दौरान यहाँ पे हमको लॉस झेलना पड़ा एंड ओनली 1200 रुपीस। इट्स ओके, अभी हम थोड़ा इंतजार करेंगे प्रॉपर जो करंट प्राइजेक्शन है वो बियरिश है। ओके, जो भी होता है मैं आपको सारे 5 जो ट्रेड्स लेता हूँ वो ट्रेड्स का एवरी पोर्शन में यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि मेरा व्यू क्या था जिसके दौरान मैंने कॉल लिया या पुट लिया, स्टॉप लॉस कहाँ पे मेंशन की, एवरीथिंग एक्सप्लेन करता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है वो सारे चीज़ें मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ऐसा नहीं जो बहुत सारे यूट्यूबर है ओनली भी प्रॉफिट के डेज वीडियोज़ अपलोड करेंगे, अदरवाइज नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है यहाँ पे। सो लेट्स से यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ पे आ चुका है एंड करंट प्राइजेक्शन इज बियरिश, राइट। 15 मिनट का कैंडल आप देख सकते हो, इट्स बियरिश क्लियर कट। चलो, स्टिल मैं यहाँ पे फिर से पोजीशंस बना रहा हूँ एंड सेम क्वांटिटी 105, क्वांटिटी को मैंने बढ़ा नहीं रहा हूँ एंड स्टॉप लॉस हमारा इंटैक्ट रहेगा, 10 पॉइंट डाउन, छोटा सा लॉस यहाँ पे मैं, क्योंकि बहुत बड़ा फॉल हो चुका है एंड इम्पॉर्टेंट मेजर ट्रेडिंग जोन के अभी अबव है, राइट। हे गाइस, अभी टाइम है 9:31 एंड मैं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी के साथ पोजीशंस बना चुका हूँ। सो लेट्स सी, एंड स्कल्पर बटन को करते हैं ऑन। थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी है और मैं स्कल्पिंग करूँगा, इसको ज़्यादा होल्ड नहीं करने वाला क्योंकि बहुत ट्रेंड के अगेंस्ट है। और रीज़न सिंपल है यहाँ पे एंट्री लेने का, मैं आपको बताता हूँ कि रीज़न क्या है इसके पीछे। सिंपल, यहाँ पे देखो, सेंट्रल पिवट में आके सपोर्ट ले रहे हैं, मेजर ट्रेडिंग जोन की लोअर पॉइंट से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, दैट्स वाई आई टुक पोजीशन हियर। सो लेट्स सी, करंट जो प्राइजेक्शन है वो कम्प्लीटली बियरिश है। करंट प्राइजेक्शन एंड ओवरऑल प्राइजेक्शन एक साथ मैच नहीं करते तब डर ज़्यादा लगते हैं, ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाता हूँ, उस टाइम क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। मुझे बिल्कुल सपोर्ट के आसपास मिला इसलिए मैंने क्वांटिटी को डबल कर दिया, अदरवाइज ओके 5000-6000 लेट्स ऑल क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट हो गया, मुझे हाफ क्वांटिटी एग्जिट करना था। ओके, चलो कि देखते हैं कितना प्रॉफिट हमने बना पाया। जो लॉस था 1200 का, लॉस कवर करके यहाँ पे हमारा 6300 प्रॉफिट यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, यानी बढ़िया सपोर्ट लिया इस पोजीशन से, तो इसलिए ओवरऑल प्राइजेक्शन एंड करंट प्राइजेक्शन दोनों जब मैच करते हैं ना तब ज़्यादा बेहतर होगा। पहला पोजीशन जो था उनको ध्यान दो, यहाँ पे मैंने लिया था लेकिन काम नहीं किए, ठीक है, इसे लेट कर दिया, इट्स ओके। फिर सेकेंड पोजीशन मैंने लिया और देखो कहाँ जा रहा है। देखिए, हाफ क्वांटिटी को मुझे होल्ड करना था बट मिस्टेकली सारे मैंने एग्जिट कर दिया, अदरवाइज कुछ को तो मैं होल्ड करना चाह रहा था
ओके सही जगह पे हमने लिए थे एंट्री। इट्स ओके गाइस, अब देखते हैं अभी क्या होते हैं, इसके ऊपर सस्टेन कर पाते हैं कि नहीं। मैं जो ट्रेडिंग जोन जो मैंने सारे वीडियोस में बताता हूँ कि अगर मैं जो ट्रेडिंग जोन के अबव है मार्केट, तो हमको यहाँ पे पुट साइड नहीं जाना चाहिए। अगर जाना भी है तो क्वांटिटी कर दो हाफ से कम, ठीक है। इस तरह चीज़ें आपको ध्यान में रखना। बढ़िया मूव दिया है, मैं यहाँ पे अनदर स्ट्राइक को ऐड कर रहा हूँ और थोड़ा इन द मनी। ओके 355 के आसपास चल रहा है, थोड़ा सा रिट्रेस आने दो यहाँ तक, तो फिर हम सोचेंगे। अभी देखिए 15 मिनट कैंडल को अगर देखें तो ऑलरेडी ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो ये सही सिचुएशन है, बुलिशनेस है। सुबह हमने कैप्चर किए थे बट होल्ड नहीं कर पाया। चलो थोड़ा लेस क्वांटिटी के साथ यहाँ से भी मैं एंट्री लूँगा, बट थोड़ा सा रिट्रेस की इंतजा। ट्रेस मिल रहा है 3820 पॉइंट डाउन अभी, सो लेट्स प्लेस इट एंड 105 के आसपास एंड स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे 336। के आसपास प्रॉफिट हो रहा है, स्टॉप लॉस को थोड़ा सा मूव कर देते हैं लाइक या 1000 के आसपास हमारा लॉस हो चुका है। यहाँ पे 1200 आप देख सकते हैं, ऑलरेडी इट्स 2500 के आसपास प्रॉफिट हो रहा था, बट मैं जस्ट लॉस को लिमिट करते हुए इसको होल्ड करना चाह रहे थे। इट्स ओके, थोड़ा और इंतजार करते हैं। अगेन आई एम गोइंग टू मेक पोजीशन, मुझे लग रहा है कि यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से अब मूव दे सकता है एंड सेम स्ट्राइक में ही हमने पोजीशंस बना रहे। लो लगाया 336 एंड देन 352 के आसपास चल रहा है एंड स्टॉप लॉस जस्ट यहाँ पे 324 के आसपास प्लेस करना चाहूँगा इनिशियली। ओके पहला पोजीशन का जो लॉस था वो लॉसेस देखिए यहाँ पे कवर्ड होके भी हमारा MTM 700 प्रॉफिट में, दैट्स मीन इस ट्रेड से हमको 2000 के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करके अपसाइड मूव देगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिर भी थोड़ा बहुत स्पेस के साथ मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस को होल्ड कर रहा हूँ। सो लेट्स सी, प्रॉफिट चाहे हमारा काम हो लेकिन लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान हमेशा रखिएगा। जितना चाहो लॉस को लिमिट करके चलो और इस तरह की जो ट्रेलिंग है ना धन के साथ इजीली हो जाती है, धन या एंजल वन दोनों का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। इनका कोई एनुअल मेंटेनेंस ईयरली कोई फीस नहीं है और फीमेल कस्टमर के लिए ओनली 10 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, इसलिए मेरा ब्रोकरेज चार्ज भी कम हो जाते हैं। अगर ट्रेल करना है लाइक दिस कहीं पर भी, ये देखिए इजीली यहाँ पे ट्रेल हो जाते हैं। ओके गाइस देखो मुझे यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए, छोटा सा स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया ताकि स्ट्रेट से बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। 345 में हमारा एसएल है, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस को डिलीट करके यहाँ पे जस्ट 60 क्वांटिटी को मैं यहाँ पे स्क्वाड अप करना चाहूँगा एंड रेस्ट क्वांटिटी को यहाँ पे होल्ड करते हैं, क्योंकि बिल्कुल एक बेस बनाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे अपसाइड भी जा सकते हैं एंड डाउन साइड भी, ओनली 45 क्वांटिटी को करते हैं 3 लॉट प्रॉपर एसएल के साथ। अभी इसको होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉप लॉस से फाइनली आके एसएल हिट किया 1600। इस ट्रेड से हमको 400 के आसपास लॉस हुआ है। जब हम लॉस ले रहे हैं बहुत ही लिमिटेड है, जब हमको प्रॉफिट मिल रहा है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। सो गाइस चलिए यहाँ पे बढ़िया रिट्रेस मिला है एंड आई एम गोइंग टू मेक पोजीशन, थोड़ा कम करते हैं। एंड अभी मैं देखिए यहाँ पे स्कैल्पर बटन को ऑन कर रहा हूँ, जस्ट इसको क्विक स्कैल्पिंग होना चाहिए एटलीस्ट कुछ क्वांटिटी का। 105 को मैं निकल दूंगा, थोड़ा सा प्रॉफिट टिल यहाँ तक अगर मिल जाए। ओके 2000 प्रॉफिट रनिंग। अभी प्राइस अगर देखें तो ओपनिंग जो प्राइस था उसके नीचे आ चुका है,
इसलिए थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट। यहाँ पे 105 क्वांटिटी को एग्जिट कर दिया है एंड रेस्ट जो क्वांटिटी है उनका स्टॉप लॉस करते हैं प्लेस्ड। 275 पॉइंट का इससे स्टॉप लॉस है, हिट कर चुके हैं एंड देन इट्स ओके, हम भी हो चुका है एग्जिट। चलो 15 क्वांटिटी रख के क्या करेंगे। सो आई थिंक हमारा 5 ट्रेड्स हो चुका है डन और मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा 7100 समथिंग हमने प्रॉफिट बुक किया। यहाँ पे कुछ चार्जेस भी जाएगा लेकिन यहाँ पे 10 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से मेरा चार्ज करते हैं क्योंकि मैं फीमेल के अकाउंट पे यहाँ पे ट्रेड्स करता हूँ 10 रुपीज़ पर ऑर्डर। अब भी अकाउंट ओपन कर सकते, धन का अकाउंट ओपनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है नहीं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एनालिसिस कैसा था, क्यों मैंने कॉल साइड में चूज़ किया। ओके, सबसे पहले प्रीवियस डे में जो ट्रेडिंग जोन एंड सेंट्रल पिवोट और मूविंग एवरेज के अबव मार्केट था, दैट्स वाई हम कॉल परचेस कर रहे थे। यस, जैसे मार्केट ओपन हुआ मार्केट नीचे की तरफ आ रहे थे, यहाँ पे हमने एंट्री नहीं ली। एंट्री कहाँ पे ली, जब सपोर्ट के आसपास आया, मेजर ट्रेडिंग जोन के आसपास आया एंट्री ली, इसे हिट हुआ, छोटा सा लॉस बुक करके हमने एग्जिट कर दिया। फिर हमने एंट्री ली क्योंकि यहाँ पे लोअर पॉइंट से सेंट्रल पिवोट के आसपास यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल रहे थे, तब जाके मैंने सेकेंड पोजिशन ट्रिगर किया और अच्छा खासा प्रॉफिट हमारा वहाँ पे बुक हुआ। मिस्टेकनली मैंने फुल क्वांटिटी एग्जिट कर लिया था, अदरवाइज यहाँ पे मुझे 12,000 के अबव मैं प्रॉफिट बुक कर सकता था पहला ट्रेड से ही। जस्ट एक ट्रेड अगर आपका सही चला गया तो 4 जो ट्रेड्स है ना वो अगर लॉस भी होते हैं सारे लॉसेस कवर करके भी प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये जो 4 ट्रेड्स में आपका ऐसे लीट हुआ है वो लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ क्योंकि स्कैल्पिंग है, ऐसा तो है नहीं कि मैं होल्ड करने वाला हूँ 2 घंटा 3 घंटा, ठीक है। तो थोड़ा सा मूव हमारे साइड में मिल जाए, साइड मैंने चूज कर लिया क्योंकि प्रीवियस डे में जो ट्रेडिंग जोन के अबव है, सेंट्रल पिवट एंड मूविंग एवरेज के अबव है, तो मैं यहाँ पे कॉल साइड चूज कर लिया। अब मुझे रिट्रेस की इंतजार है, रिट्रेस में एंट्री लेता हूँ ताकि मैं छोटा स्टॉप लॉस प्लेस कर पाऊँ और बढ़िया उसको होल्ड करके प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता हूँ। तो ये है बिल्कुल मेरा स्ट्रैटेजी। कुछ भी क्वेरीज है फिल फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, और अगर आपको सीखना है यहाँ पे आ जाइए, लिंक में वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। कोर्सेस नॉट फॉर सेल, बिल्कुल फ्री में ये दोनों कोर्सेस आपको मिल जाएगा आप अगर जेरोधा में अकाउंट ओपन करते हो। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पे आप क्लिक करो, फ्री अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आपका एज बिलो 25 है, आफ्टर अकाउंट ओपन ये जो कोर्सेस है ये आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। जीरोधा का अलावा आप अगर किसी ब्रोकर में अकाउंट ओपन करते हो हमारे लिंक के थ्रू, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आपको जस्ट एक कोर्स मिलेगा। आफ्टर अकाउंट ओपन एक ट्रेड कीजिए एंड देन इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर।